रॉटवेलर, फ्रेसा कैनेरियो, वुल्फ डॉग संकर समेत महाराष्ट्र में 24 विदेशी नस्ल के कुत्तों को पालने पर रोक। डॉग बाइट से इंसानों की होने वाली मौत के चलते विदेशी नस्ल की 24 प्रजातियों के आक्रामक पेट डॉग्स को पालने पर रोक लगाई गई है। विशेषज्ञों की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ऐसे पेट के इंपोर्ट, ब्रीडिंग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध से पहले नागरिकों के सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में राज्य सरकार के हलफनामे में केंद्र के पशुपालन विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पत्र से इस बात का खुलासा हुआ है। पत्र में इन डॉग्स के पेट लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाई गई है। महाराष्ट्र के पशुपालन विभाग के सहायक आयुक्त श्रीराम पवार ने हलफनामे में कहा कि राज्य का पशुपालन विभाग प्राणियों की क्रूरता पर लगाम लगाने के प्रति सजग है। राज्य में 107 प्रतिष्ठानों को रजिस्ट्रेशन, एनिमल वेलफेयर बोर्ड और डीएसपीसीए प्राणियों से जुड़े मुद्दों को लेकर आने वाली शिकायतों का निपटारा करता है। दोनों निकायों ने अब तक 174 पेट शॉप को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जारी किया था। निरीक्षण के बाद इसमें से राज्य भर में सिर्फ 94 दुकानों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। 40 दुकानें नियमों का पालन करने में विफल रही हैं, इसलिए उनके आवेदन खारिज किए गए हैं। जहां तक बात डॉग ब्रीडर रजिस्ट्रेशन की है तो इस संबंध में 173 आवेदन प्राप्त हुए थे। इंस्पेक्शन के बाद 107 प्रतिष्ठानों को डॉग ब्रीडर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। 30 प्रतिष्ठान नियमों का पालन करने में सफल नहीं हुए हैं, लिहाजा उनके आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। हलफनामे में कहा गया है कि सरकार के इन कदमों के मद्देनजर इस विषय से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया जाए। यह है मामला। केंद्र सरकार द्वारा विदेशी नस्ल की 24 प्रजातियों के डॉग्स के पेट रखने पर लगी रोक के खिलाफ एनिमल रेस्क्यू ट्रस्ट ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।